उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फर्जी जियो टैगिंग करने वाला एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शातिर भोले भाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास की जियो टैगिंग के नाम पर पैसे वसूलता था। जब यह शातिर एक गांव में जियो टैगिंग के लिए पहुंचा तो उसने एक महिला से सारे कागजात मंगवा कर लिखने पढ़ने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद उसने जब महिला से पैसे की मांग की तो उसने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए इस शातिर नटवरलाल को दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिछले एक वर्ष से फर्जी तरीके से वह जियो टैगिंग करने के बाद लाभार्थियों से दलाली करता था। फिलहाल पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद से संवाददाता राकेश वर्मा की रिपोर्ट। क्या करते हो? बैटरी का काम करते थे एक महीने पहले। रहते कहाँ हो? रसूलपुर टंकी पर। यहाँ किस लिए आए थे? जा भाई साहब आवाज के मतलब ऐसे अपने लिख के ले लेते। क्या लिख के ले लेते थे? के मतलब आपकी किस्त आई है कि ना आई? क्यों? घर से फालतू है, काम नहीं होता ऐसे अपने। आपसे कौन करवा रहा है? आपको कोई लीडर वगैरह? कोई नहीं है, कोई ना। तो आपको ऐसी तकनीकी कहाँ से आई कि इस तरीके से पैसा पैदा होगा? पैसा तो भाई ना पैदा करो आप। तो फिर यहाँ आए थे आप बिना पैसे के लिए, कैसे आए? नौकरी करते नहीं हो आप इस विभाग में, तो फिर कैसे आए आप? मैं वैसे आया था तो शाम को मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ, मतलब दिन में अगर काम नहीं मिल रहा तो मैं वैसे घूमत वैसे अपने शाम को 4-5 बजे घर पर पहुँच जाता हूँ। आपके साथी कोई इसमें है लाइन में? कोई नहीं। इस काम को कब से कर रहे हो आप? अगर काम छोड़ा एक 15-20 दिन हुए हैं। 20 दिन आज तक कितने व्यक्तियों के आवासों की चेक करने पहुँच चुके हो? ले रहे होंगे कम से कम 10-20 से ज़्यादा। कितने पैसे ले चुके? 10-20 पैसे तो अगर तो ला लेंगे। मैं शाम को अपने घर पहुँच जाता हूँ, बस ये अगर मतलब हलवा पलती में पैसे नहीं लेते तो फिर कैसे आते हो यहाँ? क्या कारण है इसका? जी अपना वैसे भाई साहब घूम कर जो अपना टाइम नहीं निकल जाए तो शाम तक घर पहुँच जाए। सुनो मेरी बात। जी भाई क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश कहाँ रहते हो? आप यहाँ अम्बी नगर में पकड़े गए हो, क्या मामला है? भाई साहब पकड़े तो ये गए यहाँ पे जो आवास की जो जानकारी के लिए अपना वैसे टाइम पास करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा पढ़ी कर ली। तो टाइम पास करने वाले आप कौन होते हो? प्रधानमंत्री आवास योजना में आप दलाली कर रहे हो? दलाली तो नहीं कर रहे भाई साहब। तो फिर क्यों आए थे यहाँ आप? भाई साहब मैं एक महीना से पहले काम कर रहा हूँ तो काम छूट गया। किस में काम करते थे? बैटरी के में। नहीं बैटरी से काम करते थे, लेकिन यहाँ क्यों तुम दलाली करने आए? यहाँ किस कारण आए आप के यहाँ पे आप आए हो? और मैंने पहले भी समाचार पत्रों में भी और आपके माध्यम से भी 4-5 बार बोला हुआ है कि भाई बिना आई कार्ड के कोई भी अगर आता है फील्ड के अंदर तो तुरंत हमें संपर्क करें। तो ये जैसे ही यहाँ पे आया था बिना आई कार्ड के था, तो ये यहाँ पे ही एक लड़का रहता है उसके पास में मेरा नंबर था, तो उसने फ़ोन किया कि सर बिना आई कार्ड के यहाँ पे एक आ रहा है सर्वे करने के लिए। तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया मैं कहा उसको पकड़ के बैठाओ अभी आया मैं, तो मैं और हमारे CLT साहब हम तुरंत वहाँ से आए डबरई ऑफिस से अपना आके इससे जानकारी ली। इसके पास में अवैध सारी चीज़ें मिली है, पैसा भी मिला है करीब करीब 4,000 के आसपास, और ये हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है। अभी तक कितने व्यक्तियों से ठगी कर चुका है ये? अब इसकी डायरी के अनुसार तो ऐसा लग रहा है कम से कम नहीं होगा तो 100-200 लाभार्थियों के पास में जा चुका होगा। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? सीधी इसके अभी लेके जा रहे हैं, इसको पुलिस के हाथों में देंगे, FIR कराएंगे इसके खिलाफ। इसके पीछे कोई और भी है? अभी तक इसने कुछ बताया नहीं है, बाकी पुलिस को हो सकता है बताए किसी का नाम। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। ये व्यक्ति आपके यहाँ पकड़ा गया है, क्या मामला है? ये लिख रहा था बैंक की पासबुक की वो डिटेल बना रही है, आधार कार्ड मंगवा लिया हमारे घर वाली से, ये सब इसने लिख लिया और मोबाइल नंबर ये लिखने के बाद में, और ये कह रहा है मैं दबरई से लगा हुआ हूँ, दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होके आया हूँ यहाँ पे। बाकी बाद में फिर मैंने इनके पास भाई अबे ललाई पास कॉल करी, बिन्ने इनके पास करी, क्या नाम महेंद्र के पास, ये तुरंत पहुँच गए, इनने इनको पकड़ा। किसके लिए आए थे? कोई आवेदन किया था आपने? कुछ नहीं। नहीं आपने कोई आवेदन नहीं किया नहीं। उसके बाद भी ये व्यक्ति आपके यहाँ आ गया? नहीं आवेदन तो है पहले को है ना वो तो। अच्छा जाके पास तो कहीं ना करो। अच्छा इसने कुछ पैसे की मांग भी की? नहीं पैसा ऐसा कुछ नहीं मांगे यहाँ। रेडी क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है क्या नाम है इसका?
बता तो ना नाम। अच्छा ये आपके यहाँ आया था, किस लिए आया था आपके यहाँ? इंक्वायरी कर रहे। किस चीज़ की इंक्वायरी करने? जो कॉलोनी मिलते था। तो इसने कितने पैसे की मांग की आपसे? 500 रुपये आपने दे दिए? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।